दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे वुड के घोषणा पत्र, तो उसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वुड के घोषणा पत्र की कुछ गुण थे और कुछ अवगुण थे, कुछ दोष थे, कुछ मेरिट्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वुड का घोषणा पत्र का क्या गुण था और क्या दोष था, ठीक है। तो आप सबको पता है कि वुड का घोषणा पत्र क्या है भाई। वुड का घोषणा पत्र जब 1853 में कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू करने की बात आई, तो उस समय एक समिति की गठन की गई। समिति से कहा गया कि आप हमें कुछ सजेस्ट करिए कि भारत की शिक्षा में क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो उस समिति ने एक सुझाव पत्र उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को दिया। उसी सिफारिश पत्र को वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स वुड जो थे उस समय कंपनी के सभापति थे, ठीक है। तो उस कंपनी ने जो सिफारिशें थी उसकी कुछ अवगुण, कुछ दोष और कुछ अच्छाइयाँ भी थी, तो ज़रा आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहला नज़र डालते हैं कि उस कंपनी के गुण क्या थे, उसकी कंपनी की अच्छाइयाँ क्या थी। तो भाई देखिए, वुड डिस्पैच जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? ये एक दो लोगों के बीच में संधि हुई थी, मतलब यूँ समझ लीजिए कि भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के बीच में संधि पत्र, ठीक है। हालांकि मैग्ना कार्टा को मैं थोड़ा सा और पढ़ के इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हाँ ये यूँ समझ लीजिए कि ये संधि पत्र माना गया। ये ऐसी चीज़ है जो भारत और पाश्चात विज्ञान ज्ञान को एक जोड़ के रखती थी। वुड के घोषणा पत्र में दोस्तों कई महत्वपूर्ण गुण थे। वुड डिस्पैच ने अपने इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करके भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। क्या लाया भाई? आइए देखते हैं ज़रा इसके क्या गुण थे, क्या इसकी अच्छाइयाँ थी। पहली बात को भारतीय शिक्षा की नीति को कानूनी रूप से डिस्पैच के माध्यम से परिभाषित किया गया और निर्धारित किया गया। भारतीय शिक्षा की नीति निर्धारित किया गया, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि निरीक्षक, उप निरीक्षक, निदेशक, सहायक निदेशक, इन सारी चीज़ों को एक नीति निर्धारित की गई। कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, पूरा एक संरचना डिसाइड किया। करिकुलम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, विश्वविद्यालय ग्रेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड की गई। इस घोषणा पत्र के माध्यम से सरकार को शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व तो बनाया गया, ठीक है। जो सरकार उस समय थी उसको माना गया कि भाई आपको शिक्षा देना है। पूरी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और सभी मुद्दों को संबोधित, जितने भी कमी थे, दोष थे, उन सबको हटा के एक नई शिक्षा प्रणाली लागू किए करने की गई इस सिफारिश में। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसे अधिक संगठित किया गया, ठीक है। नए विश्वविद्यालय किए गए हैं, संगठित किया गया, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल्स, प्राथमिक, ये सारी चीज़ें का संरचना निर्धारित किया गया। भारतीय साहित्य, संस्कृति और ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया और प्राच्य साहित्य को बढ़ावा दिया गया। तो ये इसका क्या भाई अच्छाई है। चलिए, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशक, उप निदेशक, निरीक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा विभाग की स्थापना के साथ एक उचित प्रशासनिक संरचना स्थापित किया गया, इस सिफारिश की अच्छाई थी। निस्यानंद फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त कर दिया गया और शिक्षा आम जनता सुलभ हो गई और न केवल उच्च वर्ग तक सीमित हो। पहले उच्च वर्ग थे थी, अभी क्या किया गया, हटा दिया गया फिल्ट्रेशन थ्योरी को, सभी के लिए जन संचार शिक्षा कर दिया गया, आम लोगों के लिए भी शिक्षा दे दी गई। प्राचीन शिक्षण संस्थानों को पुनर्जीवित किया गया और उन्हें मजबूत करने का प्रयास किया गया, जिसे मेकाले ने खत्म कर दिया था। घोषणा पत्र के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को खोलकर शिक्षा के स्तर को उठाया गया, ठीक है। चलिए, भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं संस्कृत, अरबी और फारसी को उचित सम्मान और मान्यता दी गई और इन भाषाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। कैसे भाई? जो किताबें नहीं थी इन भाषाओं में उसको ट्रांसलेट कराया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षकों को आर्थिक स्थिति में सुधार, उनके वेतन में वृद्धि, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक योग्य और आकर्षित हुए जो टीचर थे उनकी सैलरी बढ़ाई गई, उन्हें ट्रेनिंग भी दिया गया, शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया गया, आगे इसमें आएगा। शिक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, बड़ी संख्या में विद्यालय लाभान्वित हुए, इसने शिक्षा में निजी पहल को प्रोत्साहित किया जिससे शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। तो ये इसकी अच्छाई है। उच्च वेतन वाले राज्य की नौकरी में शिक्षित व्यक्तियों को दी गई वरीयता ने शिक्षा जनता को रुचि। अब जैसे उच्च वर्ग जहाँ पे हाई पोस्ट है ना, तो वहाँ पे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसकी नियुक्ति वहाँ पे हो गई। तो इससे क्या, लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता हुआ, रुझान बढ़ा, रुचि बढ़ी। प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, ट्रेनिंग दी गई, किसकी, टीचर्स की ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। महिलाओं के लिए शिक्षा, जिससे पहले उपेक्षित किया गया था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दे, तो इसमें सिफारिश किया गया कि आप महिलाओं को भी शिक्षित करिए, महिलाओं को शिक्षा दीजिए। प्रेषण के माध्यम से जीवन का एक नया पट्टा दिया, पुनः शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया महिलाओं के लिए। चलिए, व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, ऐसी शिक्षा दीजिए जो लोगों को रोजगार से जोड़े। तो ये इसकी अच्छाई है।
इससे क्या भाई, जिससे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय जनता को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। अब लाल डलहौजी ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक दूरदर्शी और साहसिक प्रयास के रूप में वुड डिस्पैच की प्रशंसा की। लाल डलहौजी तो क्या था भाई, लाल डलहौजी वो था क्या था, गवर्नर जनरल था, तो उसने इस सिफारिश को पूरे वुड के घोषणा पत्र की तारीफ की प्रशंसा की। तो ये तो हो गई अच्छाई, अब इसकी कमी देख लेते हैं, वुड के घोषणा पत्र के अवगुण देख लेते हैं। अवगुण, ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस किया गया, जो गुड़ था उसको मैंने इस कलर से रखा है, जो अवगुण था उसको मैंने इस रेड कलर से रखा है। मुझे भी एडिटिंग आ गई है, ओके, समझ में आ रहा है ना, समझ गए। चलिए वुड के घोषणा पत्र की कुछ कमियां देख लेते हैं। कमियां क्या थी भाई, देखिए कमियां ये थी कि वुड घोषणा पत्र जहां एक ओर भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हुआ, वहीं दूसरी ओर इसमें अनेक दोष भी सामने आए जिससे भारतीय शिक्षा हानि पहुंची। इसलिए घोषणा पत्र की कुछ जो प्रमुख कमियां हैं उसको भी देखना यहां पे जरूरी है। पहली बात कि घोषणा पत्र थियोरेटिकल हो गई, समझ में आ गया, पूरी थियरी रटो पढ़ो समझ, क्योंकि लोगों को रोजगार पाना था तो भले समझ में आए या ना आए, प्रैक्टिकल जीवन में उपयोगी हो या ना, बट हमें पढ़ना है, और वही चीज़ें यहाँ तक चली आ रही। तो क्या भाई, सैद्धांतिक रूप से शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण हो गया, परंतु व्यवहारिक रूप से इसका उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन, व्यवहारिक रूप से केवल नौकरी पाना पैसा कमाना ही रह गया शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र पक्षपातपूर्ण शैक्षिक नीतियों पर आधारित था, लंदन विश्वविद्यालय से लाया गया, तो जो उनको सही लगा वैसी वैसी नीतियाँ उसमें अप्लाई की गई। इस घोषणा पत्र में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, बस वही था ना, मैंने आपको बताया था कि पूरा ट्रेंड करना है बच्चों को कि नौकरी पाओ रोजगार पाओ, ठीक है, धार्मिक और नैतिकता इस चीज़ को हटा दिया गया, जिससे भारतीय संस्कृति को ठेस पहुँची और संपूर्ण भारतीय शिक्षा की व्यवस्था ढांचा हिल गया, ठीक है। जैसे पहले क्या था भाई, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ थी। आप अगर आप गुरुकुल की बात करें या फिर मदरसा शिक्षा की बात करें या बौद्ध के मठ और विहारों की शिक्षा की बात करें, तो उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो वो लोग थे भाई, हमने तो वो देखा ही नहीं, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, तो वो मतलब जो भिक्षा मांग के खाते थे, क्या प्रेम, क्या सहयोग, क्या पेशेंस, क्या सम्मान, ये सारी चीज़ें थी। बट जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा आई, बस पढ़ना लिखना एक ही मकसद रह गया कि पैसा कमाना है, ठीक है। शिक्षा परीक्षा प्रधान हो गया, अर्थात परीक्षा का पास होना है, परीक्षा में स्थान ही सर्वोपरि है, ठीक है। तो ये इसकी गुण दोष हो गई कि भाई परीक्षा प्रधान हो गया। माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया गया, फलस्वरूप प्राचीन और भारतीय भाषाओं का महत्व नगण्य हो गया, जिससे पश्चात सभ्यता का प्रचार प्रसार मजबूत हुआ और प्राच्य साहित्य का महत्व घटा। अब जैसे आपको पता है दोनों भाषाओं में तो पढ़ाया गया, लेकिन कहा गया कि भाई जिसकी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी होगी उसको पोस्ट में वरीयता दी जाएगी, तो इससे धीरे धीरे लोग कहाँ अंग्रेजी की तरफ चलने लगे, तो अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया और प्राच्य जो अपना था हिंदी और साहित्य ये था, इसका महत्व घटने लगा। अंग्रेजी शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बना दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। घोषणा पत्र के अनुसार प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना के कारण शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण कड़ा हो गया था, शिक्षा एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह हो गई थी, उनके लचीलेपन से मुक्त गति में काफ़ी कमी आई। मतलब पहले क्या था, एक गुरुजी के पास सब लोग पढ़ते थे, तो वो गुरुजी का ही नियंत्रण था उसके ऊपर, अभी सरकारी नियंत्रण इसके ऊपर आ गया, ओके। धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण भारतीय अध्यात्मवाद का विकास रुक गया और यह तीव्र गति से अंधकार के गर्त की ओर अग्रसर हुआ। सही बात है, अब आप ही देखें ना, आप में से कितने लोगों ने अपने धार्मिक किताबों को अपने स्कूल सिलेबस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें नई नई चीज़ें पढ़नी शुरू की, जो हमारा अध्यात्मवाद था उसकी कमी आने लगी। व्यवसायिक शिक्षा व्यवहारिक रूप से नगण्य रही, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन थी वो कम होती गई। उनका मकसद नौकरी पाना तथा भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना रह गया, ठीक है, पढ़िए रोजगार करिए नौकरी पाइए, यही मेन मकसद रह गया था। विश्वविद्यालय की प्रकृति भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेजी थी। सरकार द्वारा सीनेट के सदस्यों के नामांकन के परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण रह गया। पत्रक में प्राच्य साहित्य और संस्कृति के लिए मैकाले की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। घोषणा पत्र में जो मैकाले ने कठोर शब्दों में कहा गया था वो तो नहीं कहा गया, लेकिन दोस्तों भाव में बहुत अंतर नहीं था, ठीक है, ये प्यार से इंसल्ट कर रहे थे। पत्रक के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य पश्चात ज्ञान का प्रसार करना है, वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न फिलॉसफी का प्रचार प्रसार करना ही मुख्य उद्देश्य इनका रह गया था। हालांकि भारतीय भाषाओं का सम्मान किया गया, उतने कठोर शब्दों में निंदा नहीं की गई थी जिसे मैकाले ने किया था, बुड्ढे ने। हालांकि घोषणा पत्र में शिक्षा को सांप्रदायिक भावना से ऊपर रखा गया, ठीक है, लेकिन दोस्तों ईसाई शिक्षा के प्रति नरम भावना प्रदर्शित किया गया, अर्थात इस शिक्षा के प्रति तटस्थ नहीं रहना, ठीक है, मतलब ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का बजट अंग्रेजी पर खर्चा किया गया,
शिक्षा अनुसार शिक्षा का बजट अंग्रेजी शिक्षा पर खर्चा किया, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का अधिक प्रसार हुआ और अंग्रेजी स्कूलों की मांग दिन पर दिन बढ़ने लगी। अभी भी इंग्लिश मीडियम की डिमांड है, सही है। वुड का घोषणा पत्र अब तक भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन को दूर नहीं कर सका था। अनुदान केवल उसी को दिया जाता जो 50 स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती थी, 50% स्कॉलरशिप मिलती थी। भाई 50% आप लगाइए, 50% हम लगाएं, तो ये तो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ ना। जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो क्या करें। अंग्रेजी का माध्यम होने के कारण छात्र विषय वस्तु को रटने लगे। समझ में आया ना, बस रट लेना है, पेपर लिख देना, पास हो जाना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें थी वुड के घोषणा पत्र की कुछ कमियाँ थी, कुछ दोष थी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वुड का घोषणा पत्र कम्प्लीट देखा था, उसकी कम्प्लीट सिफारिशें देखी थी, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे दिखा दूँ कि मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ जो कि इसके पहले वाले में दिखा था। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये कंप्लीट घोषणा पत्र 2200 अनुच्छेदों का था, तो इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, ठीक है। ये प्रमुख सिफारिशें जिसको मैं देखा है, और लास्ट में हमने आज यहाँ पे देख लिया इनका जो क्या गुण था और क्या दोष था, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नहीं 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 भूलना नहीं है, राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए, ग्रुप में भेजिए ना। ये तो पढ़ने वाली चीज़ है ना, इतना भी क्या शर्माना भाई। ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मस्ती मजाक तो चलती रहती हैं, लेकिन आप अपने कॉलेज ग्रुप में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, भेजिए भेजिए, ठीक है। और इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। ये मेरी इंस्टा अकाउंट है, इतना फेमस तो नहीं हूँ कुछ लोग जुड़े रहते हैं, आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको भी PDF चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करिएगा, कैसे भी मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों को भी जोड़िए इसमें। मिलेंगे अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।